स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री विपिन परमार ने सीएससी धीरा को स्थानांतरित कर 50 बिस्तरों के अस्पताल का दर्जा दिया है, ताकि धीरा और चंगर क्षेत्र की पंचायतों के लोगों को यहां दिन रात चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके। स्वास्थ्य मंत्री ने सुलह विधानसभा क्षेत्र के धीरा में हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के तहत 470 लाभार्थियों को निःशुल्क गैस वितरित किए। उन्होंने कहा कि हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के तहत प्रदेश के 33,000 लोगों को निःशुल्क गैस कनेक्शन देने के लिए 12 करोड़ रुपए व्यय किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना में जिला कांगड़ा में 7,600 गैस कनेक्शन दिए जाएंगे। यहां लोगों को संबोधित करते हुए परमार ने कहा कि वर्तमान सरकार आम आदमी की है और सभी योजनाओं का निर्माण लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। परमार ने कहा कि धीरा चंगर क्षेत्र का प्रमुख केंद्र है और यहां पर तमाम तरह की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि धीरा में शीघ्र ही मिनी सचिवालय भवन का निर्माण करके क्षेत्र के सभी कार्यालयों को एक भवन तले लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के बच्चों को नजदीकी तकनीकी शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए आने वाले समय में धीरा में मॉडर्न आईटीआई भी स्थापित की जाएगी। उन्होंने धीरा होली को जिला स्तरीय उत्सव का दर्जा देते हुए बधाई दी और कहा कि अगले वर्ष इस उत्सव को अधिक आकर्षक बनाया जाएगा। परमार ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश में भारी बरसात के चलते अपना आवास गवा चुके लोगों के लिए तत्काल सहायता के तौर पर 2 लाख की राहत राशि जारी करने का फैसला किया है, ताकि ऐसे लोगों को आशियाना प्राप्त हो सके। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए और जनप्रतिनिधियों से आह्वान किया कि इस योजना का लाभ प्रभावितों तक पहुंचाने के लिए लोगों को जागरूक करें। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने 23 लाभार्थियों को गृह निर्माण अनुदान योजना के तहत 29 लाख की सहायता राशि के चेक भी वितरित किए। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में सुलह विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पात्र व्यक्ति बिना आवास के नहीं रहेंगे। उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत 7 बालिकाओं को 70,000 की एफडी भी वितरित की। सुविधा योजना, आप सभी यहां विभिन्न पंचायतों के लाभार्थी जिनको आज गैस कनेक्शन दिया जाना है, आप यहां पर आए। मैं हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से आप सभी का बहुत बहुत अभिवादन और धन्यवाद करना चाहता हूं। और मैं बताना चाहता हूं कि पिछले 9 महीनों में ऐसी बहुत सी योजनाओं का शुभारंभ हुआ, जिससे समाज के हजारों हजारों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी ने उज्ज्वला योजना शुरू की थी, हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों को गैस कनेक्शन, गैस सिलेंडर दिए गए थे, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरकार बनने के बाद बजट अधिवेशन में यह फैसला किया कि मेरे हिमाचल प्रदेश में कोई ऐसा परिवार ना बचे, कोई ऐसा परिवार ना रहे जिसके पास अपना स्वयं का गैस कनेक्शन ना हो। और यह फैसला किया गया कि जब ये गैस कनेक्शन किसी कार्यक्रम में दिया जाएगा तो वो गैस कनेक्शन चूल्हा दिया जाएगा, पाइप दी जाएगी और भरा हुआ गैस का सिलेंडर दिया जाएगा। ये माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने घोषणा की, उसका स्वरूप आज धीरा के स्थान पर देखने को मिल रहा है। बड़े लोगों के लिए शायद ये छोटी बात हो सकती है, पर उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ी बात है। और इस योजना का नाम भी गृहिणी, घर को चलाने वाली, घर को संभालने वाली, चूल्हा चौका करने वाली, बच्चों की परवरिश करने वाली, उन हजारों नहीं लाखों देवियों, माताओं और बहनों के नाम पर रखा गया है, क्योंकि लकड़ी की तलाश और फिर चूल्हे पर रोटी, फिर उसका धुआं, और जब वो धुआं शरीर के अंदर चला जाता है